बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने लगी हूँ बोनलेस चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो मैंने लिया है चिकन 1 किलो, और मसालों में मैंने लिया है गरम मसाला आधी टीस्पून, और फूड कलर रेड लिया है 1 चुटकी, साबुत लाल मिर्च को पीसा है और वो है 2 चुटकी, कलवंची 1 चुटकी, गोश्त मसाला 1 चुटकी, हल्दी 1 टीस्पून, मिर्चें 1 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून, और चीज़ों में लिया जो मैंने पीसी हैं उसमें मैंने ली हैं मिर्चें 4 से 5 अदद, लहसुन की 6-7 कलियां ली हैं, और एक छोटा सा पीस अदरक का लिया है, और टमाटर 1 अदद लिया। इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है, और इनको मैं गोश्त में शामिल करके मैरिनेट करूंगी, और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। एंड मैं इसमें शामिल करूंगी दही, और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मिक्स करके फ्रिज में रख दूंगी, और फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करूंगी। ये चिकन जो है आप केचप, मेयोनीज़ और दही की चटनी के साथ वैसे ही खा सकते हैं, लाइक आप पकौड़ा। ये जो सा मैंने फूड कलर इस्तेमाल किया है ये रेड है। और इस्तेमाल करूंगी सोया सॉस और चिली सॉस। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल करूंगी जीरा, जीरे का तड़का लगाऊं। अब मैंने चूल्हे पर बर्तन रख दिया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें जीरा शामिल करूंगी, और वो गोश्त जो उनसे मैंने फ्रिज में रखा था आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, उसको मैं इसमें फ्राई कर लूंगी। अब इसमें गोश्त डालूंगी। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी। अब इसमें चिली सॉस का 1 टीस्पून, और सोया सॉस का भी 1 टीस्पून डालूंगी, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा तब आंच बंद कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया, और ये अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाएं तो वो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा, और घर में ये बहुत सस्ता बन जाता है। ये देखिए कितना नरम बना, यानी गल चुका है। अब इसका पानी थोड़ा और खुश्क होने दूंगी। हमारा चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो चुका है। हमारा बोनलेस चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।